हाँ दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं हाउस वार्डिंग कर रहा है बच्चा, ये काशी के उन घरानों के बच्चे हैं जो हाउस वार्डिंग टांगा, इक्का, बग्गी आदि चलाते थे इनके परिवार के लोग, लेकिन अब ये काम बंद होने से ये बेकार हो गए हैं। दोस्तों, ये बनारसी टांगा है। शान की सवारी थी काशीवासी इस पे बैठ के, या जो पैसेंजर यात्री यहाँ आते थे इस पे बैठ के शान महसूस करते थे। इसका हुस्न भी बुझ चुका है। बीते दिनों की बात हो गई है बनारसी टांगा। कचरे में ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। ये बनारसी टांगा एक अपनी स्टाइल का टांगा होता था, और काशी का जो रईस होते थे, बहुत रईस होते थे, तो उनके पास ये टांगे होते थे अपने निजी, और इसका वो यूज करते थे। इसमें कमानी का यूज होता किया गया है, और पैसेंजर्स की समस्त सुविधा का ख्याल ये पावदान चढ़ने के लिए। अब तो ये कंकाल है बनारसी टांगे का, इसका बनारसी टांगे का बुस्ता हुस्न कभी शायद कुछ दिन बाद ये भी ना मिले देखने को। टांगा इक्का चलाने वाले लोग अब ये बग्गी पे डिपेंड हैं। ये बग्गियाँ शादी में, विवाह में यूज होती हैं। कभी कभी इन बग्गियों का यूज साधु संतों के शोभा यात्रा में भी किया जाता है। ये साल में कितने अवसर आते हैं, बहुत कम। उनके सामने भयंकर रोटी रोजी का समस्या हो गई है। एक समय था जब इस तरह की जो ये बग्गियाँ हैं काशी के रईसों की शान हुआ करती थी। आज पटरियों पे इनको रखने की जगह नहीं है, यहाँ वहाँ सड़क के किनारे छोड़ के इस दशा को प्राप्त है। काशी में टांगा स्टैंड था, ये काशी स्टेशन के सामने आप देखें तो टांगा स्टैंड था, इसको भी भगा दिया गया। टांगा स्टैंड ख़त्म कर दिया गया है, और कूड़ा कचरा का अंबार दिखाई दे रहा है। अभी बेचारे कहाँ जाएं। गुदौलिया पे स्टैंड था, वो ख़त्म कर दिया गया है। ये पुराना जो हेरिटेज है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब ये बच्चे, इनको देखिए, जो टांगा चलाने में परिवार थे, सैकड़ों परिवार काशी में ऐसे जो मुगल काल से हॉर्स राइडिंग और ये सब टांगा इक्का ये सब में पारंगत थे। कुछ बाहरी परिवार हैं, कुछ यहीं के हैं, तो ये बच्चे इसमें अब उनका जी मानता नहीं है। तो ये काशी स्टेशन के सामने एक मैदान है, तो वहाँ ये सब दोपहर में जिस दिन छुट्टी वगैरह होती है उस दिन आके ये इसमें खेलते हैं। और देखिए, अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही रस्सी, एक प्लास्टिक की रस्सी, उसका इन्होंने लगाम बना लिया और दौड़ाते हैं, खूब दौड़ा रहे हैं ये बच्चे हैं। क्या करते हो तुम लोग? हम लोग पढ़ने जाते हैं। पढ़ते सब लोग? हाँ, पढ़ते भी है, घोड़ा भी चलाते हैं। कहाँ सीखे हैं ये लोग? पापा के पास। पापा लोग, हमारे पापा सिखाए हैं। अच्छा, खानदानी पे? हाँ हाँ। बग्गी वाला काम? हाँ, पीछे भाई भी खड़ा है। पीछे भाई भी खड़ा है। और टांगा, टांगा पहले चलता था? हाँ, बंद हो गया। अब बंद हो गया है, बंद हो गया। सब कोई बोलना है, अब टांगा बंद हो गया है। हाँ। अच्छा, तो अब कब खाली शादी में चलाते हो? तो दिक्कत हो रही होगी कमाने में? हाँ, अब घोड़ा गाड़ी हट गया है ना सब। अब हम लोग जाते नहीं, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं।
तो पहले तो कोई बड़ा होता हम पूछते, पहले तो आप लोगों को यहाँ स्टैंड भी हाँ, 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 से हट गया, दिया, हाँ, से हाँ, गया। कोई जगह दी हाँ, नहीं, 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 नहीं दी। तो आपके सामने बहुत रोटी, आपको किसको किसको चलाने आता है बताओ? हमको हम लोग चला लेते हैं, भी खड़ा इधर लाइन में, लाइन में इसको भी आता है, पीछे जे भी वही उनको भी आता है। तो स्कूल सब जाते हो कि नहीं जाते? हाँ रोज चढ़ाते हैं, पढ़ने भी हम लोग पढ़ने भी जाते हैं। कहाँ पढ़ते हो? प्रहलाद घाट लाल स्कूल में, हम आदमपुर पढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई बच्चा सीखना चाहे तो सिखा दोगे? हाँ। किसी का बच्चा ये देख के वीडियो कह रहा है यूट्यूब में डालो, हम डाल दें, कोई सीखना चाहे तो उसको सिखा दोगे तुम लोग? हाँ सिखाएंगे। तो सबको नमस्ते कर दो। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। साथियों कमेंट जरूर करना, शेयर लाइक तो बनता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।